हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 9T की। ठीक है, टेक्नो स्पार्क 9 जो है उसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी, जगह के आप देख सकते हो। लेकिन टेक्नो स्पार्क 9T की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और फ़ोन भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में आपको फ़ोन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे आपको टेक्नो स्पार्क जो है 9T और इसकी जो वेरियंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि वेरियंट आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये फोन जो है मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर पीछे की साइड में मिल जाते हैं, जैसे आपको 50 MP के साथ आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है फोन में। और यहाँ पर देखो 1080p फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिलाइजेशन मिल जाता है फोन का। 5 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 W का फास्ट चार्जर मिल जाता है फोन के साथ। रैम आपको पता ही है 4GB 64GB रहेगी। और इसमें प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हेलो G35 का गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फोन को यहाँ पर हम जल्दी से फटाफट अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, सील ब्रेक करते हैं इसके पहले सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं इसको पहले ब्रेक कर लिया है और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ फोन का जो लुक है, डिज़ाइन है, वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि 9 में था उससे थोड़ा सा हटके होने वाला है अब, और इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टाइलिश डिज़ाइन में ये फ़ोन जो है प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देख सकते हो, सबसे पहले फ़ोन को सील ब्रेक कर लिया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले हम निकालते हैं बॉक्स को। ठीक है, फ़ोन को अपने निकालते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है बॉक्स को हमने कर लिया है अनबॉक्स। करने के बाद इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, साइड में रखने के बाद सबसे पहले आता है हमारे पास फ़ोन, देख सकते हो फ़ोन आ चुका है हमारे पास, लुक काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमारे पास आता है बॉक्स। बॉक्स में अगर आप देखोगे तो बॉक्स में क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मिलता है यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट केस, जो कि काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम रखते हैं पहले साइड में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है 12 मंथ की वारंटी के साथ, यहाँ पर देखते हो टेक्नो की तरफ से जो हर एक बार मिलती है। 18 W का आपको मिलता है यहाँ पर टेक्नो का एक चार्जर, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है टेक्नो की तरफ से। ठीक है, ये चार्जर आपको मिलने वाला है। और इसके बाद मिलने वाला है आपको यहाँ पर USB केबल, जो कि आपको मैक्रो USB केबल देखने को मिलेगा। और आपको इसमें फ़ोन में जिस हिसाब का फ़ोन है उस हिसाब से आपको इसमें टाइप सी होना चाहिए था, और ज़्यादा बेस्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि दो चीज़ें इसमें आपको कमी मुझे लगी हैं, जो कि टेक्नो स्पार्क 9T में लगी हैं। ठीक है, तो वो आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी है, वे अप्रूव होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको हम रखते हैं पहले साइड में। साइड में रखने के बाद हमारे पास आ चुका है फ़ोन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको टेक्नो स्पार्क 9 की जो वीडियो दी थी, काफ़ी आपने अच्छा रिस्पांस दिया था उस पर, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन भी था। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है प्राइस के हिसाब से फिर भी सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी हुई है। देखो पीछे लुक जो है डिज़ाइन स्टाइलिश आपको डिज़ाइन में मिल जाता है, कुछ अलग ही तरीके यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है। ठीक है, बैक पैनल देखोगे तो नीचे का आपको प्लास्टिक और कैमरे के इतने बीच का आपको ग्लास, ठीक है, दो आपको बैक पैनल में मिल जाता है, इतना आपको मिलता है, यानी कि लियो देख रहे हो नीचे प्लास्टिक ग्लास का। ठीक है, ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, कुछ यूनिक सेटअप आपको दिया गया है, टेक्नो स्पार्क का लोगो भी मिल जाता है। और यहाँ पर कैमरा जो मेन कैमरा 50 MP का आपको मिलता है, ठीक है, जो आपका रियर कैमरा होता है। अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ तो चलो होनी भी चाहिए थी। वॉल्यूम अप डाउन मिलता है, नीचे की साइड में आप आओगे तो नीचे की साइड में आप देखोगे तो आपको मिलता है एक स्पीकर, आपको मिलता है यहाँ पर देखो USB केबल, चार्जिंग पोर्ट, आपको मिलता है 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक, एक माइक। साइड में बात करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको मिलता है सिम इंजेक्शन टूल, और ऊपर की साइड में आपको तो आपको कोई भी सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि आपको नोच में मिलता है। ठीक है, देखो इसमें कैमरा जो है वो पंच होल में होना चाहिए था, और यहाँ पर जो है अगर इसका जो है टाइप सी होता इसमें चार्जिंग पोर्ट, तो भाई फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मस्त होता। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है 9,799 रुपये का आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी आपको 6.6 इंच की HD फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। तो चलिए फ़ोन को यहाँ पर हम ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। कैमरा, क्योंकि इसमें 50 MP का आपको कैमरा मिलता है, तो कैमरे का जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और बाकी जो है देखते हैं कि इसमें फ़ोन में आपको डिस्प्ले और जो काफ़ी चीज़ें हैं वो कैसी मिलती है। ठीक है, तो फटाफट पहले हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आया है हमारे पास इसका केस, उसको भी आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है, जैसे कि आपके पास जो टेक्नो स्पार्क 9 में था उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको केस मिला था, और इसमें भी देखोगे तो केस की क्वालिटी और यहाँ पर लुक डिज़ाइन देखोगे तो केस लगने के बाद भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है,
काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लग रहा है, तो ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम से अच्छी लग रही है मुझे। केस में लगाने के बाद फ़ोन को काफ़ी हैंड फील काफ़ी अच्छा आएगा आपको, ठीक है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, चलिए केस को रख देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आपको कुछ सेटअप्स कंप्लीट करने हैं, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो इनको आप खुद भी, ठीक है, आप जो है इनको खुद भी स्टेप बाय स्टेप आपको सेटअप को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, फिर से आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया, और यहाँ पर करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्किप क्लिक करने देना है, फिर से स्किप पे क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट पे, और टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर गूगल सर्विस आएगा, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक, पासवर्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, स्किप, फिर से स्किप। और जो हमारे देख रहे हो इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो आपको अवेलेबल है, देख रहे हो तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अब ज़्यादातर 12 चल रहा है, ठीक है। जल्दी आपको इसमें फ़ोन में अपडेट तो मिल ही जाएगा 12 का, ठीक है। और बाकी हम अंदर देखते हैं कि अंदर आपको क्या मिलता है, ठीक है। बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12, वैसे तो 11 है इसमें, लेकिन अब 12 चल रहा है ज़्यादातर फ़ोनों में, क्योंकि कल मैंने शायद आपको एक वीडियो डाली थी, क्या नाम है उसकी, वो थी इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस की, क्योंकि उसमें आपको प्राइस भी बहुत कम है और आपको उसमें एंड्रॉयड बेस्ड 12 मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें 12 होना चाहिए था, या तो आपको बहुत जल्दी अपडेट भी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करेगी यहाँ पर टेक्नो। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है, ब्राइटनेस मैंने फुल कर दिया, और यहाँ पर देखोगे तो डिस्प्ले के कलर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है, और चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम फ़ोन की सेटिंग्स में, ठीक है, फ़ोन की सेटिंग्स में चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और भी काफ़ी चीज़ें जो इसमें हैं। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग्स में चलते हैं, जाने के बाद ऊपर सबसे पहले चलते हैं माई फ़ोन में। यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको टेक्नो का फ़ोन जो है, टेक्नो स्पार्क 90, और यहाँ पर आपको 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मिल जाती है, 8 MP का सेल्फी कैमरा, 50 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ, ठीक है। प्रोसेसर मिलता है आपको मीडियाटेक का हेलो G35 का, 5000 की बैटरी। रिलाइजेशन की बात करें आपको 1080p एंड 10 वो देख लो 1080 और 2408 का आपको इसमें स्क्रीन रिलाइजेशन मिल जाता है, और एंड्रॉयड इसमें 11 मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा, 12 में कन्वर्ट आपको मिल जाएगा, देख लो, ठीक है। बात करते हैं इस प्राइस के हिसाब से अगर कैमरे की, तो कैमरा आप देख सकते हो कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी इसकी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डीपली में इसका कैमरा टेस्ट बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही मुझे कैमरे की, तो वैसे यहाँ पर आप देखोगे वीडियो पे आने के बाद आप ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलता है, 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 720p में, 1080p में काफ़ी अच्छी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, स्लो मोशन मिल जाता है फ़ोन के साथ का, वीडियो ऑल कैमरा चला सकते हो 50 MP का, ब्यूटी मिलता है पोर्ट्रेट, ठीक है। आप जो बैकग्राउंड के ब्लर के साथ अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे पोर्ट्रेट में, ऑल AR शॉट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको काफ़ी इमोजीज मिल जाती हैं, ठीक है। यह भी नया ऑप्शन ज़्यादातर सभी फ़ोनों में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हो फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मैंने ये परचेज करा है, जो कि मैंने करा है आपको अमेजोन से, ठीक है। अगर आप अमेजोन से इसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, और इसका जो लुक है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी यूनिक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पे जो भाई भी नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फोन लेना चाहते हो तो अमेजोन से जाकर के परचेज कर सकते हो। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।